नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेडिफैक्ट में। दोस्तों, मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद। तो आज मैं जिस सिरप के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं, उसका नाम है वोमिनिल। देख सकते हैं जहां मेरा अंगूठा रखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है वोमिनिल। तो चलिए जान लेते हैं इस सिरप में हमें क्या बेसिक सॉल्ट के रूप में मिलता है। तो यहां ऊपर की ओर देख सकते हैं लिखा हुआ है RX, उसके आगे देख सकते हैं लिखा हुआ है ओंडेंसेट्रॉन ओरल सोल्यूशन IP। जी हाँ, अब हम बात करेंगे इस वोमिनिल के यूजेज के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये वोमिनिल होती है सिरप, ये खास तौर से बच्चों को देने के लिए बनाई गई है। जी हाँ, देख सकते हैं यहाँ पर एक बच्चे की तस्वीर बनी है, तो इसका प्रयोग आप बच्चे को देने के लिए कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस वोमिनिल सिरप का इस्तेमाल करके आप किन किन प्रकार की बीमारियों से अपने बच्चे को छुटकारा दिला सकते हैं। सबसे पहला है, अगर आपके बच्चे के जिम चला रहा है यानी नौजिया हो रही है, तो उस समय आप इसको दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके बच्चे के वॉमिटिंग यानी कि उल्टियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो उस समय भी आप ये वोमिनिल सिरप अपने बच्चे को दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके बच्चे के खट्टी डकारे यानी कि इनडाइजेशन की बीमारी है या समस्या है, तो उस समय भी आप इस वोमिनिल को अपने बच्चे को दे सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाभकारी होती है इन सभी समस्याओं में। लेकिन देने से पहले मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आप जब भी इसका इस्तेमाल करने चले, तो उससे पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें, संपर्क कर लें, इसका डोज एडजस्टमेंट जान लें, उसके बाद ही अपने बच्चे को दें। जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ खास तौर से आपको सिर्फ और सिर्फ इस वोमिनिल सिरप के संपूर्ण जानकारी देने के लिए बना रहा हूँ। अब हम बात करेंगे इस वोमिनिल के पैकिंग के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार के आपको दफ्ती के डिब्बे मिलेगी, और जब इसको आप मार्केट से ख़रीद करके लाएंगे, तो आपको इसमें एक ये प्लास्टिक की बोतल आपको मिलेगी। जी हाँ, देख सकते हैं पूरी ब्लैक कलर की होती है, जो कि प्लास्टिक की होती है। जी हाँ, आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें मिलने वाले क्वांटिटी की, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। यहाँ देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है 30 ml, यानी जो मैंने अभी आपको बोतल दिखाई उसमें आपको 30 ml मिलता है ये वोमिनिल सिरप। अब हम बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है MRP ₹37.25 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स, यानी सभी प्रकार के टैक्स मिला करके आपको ये ₹37.25 की मार्केट में मिलेगी। अब हम बात करेंगे इसके मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट की, तो यहाँ देख सकते हैं मैन्युफैक्चर डेट जो है वो 5/2019 की है, एक्सपायरी डेट जो दे रखी है 4/2021। इसमें आपको 3 साल मिलते हैं, इस बीच आराम से इसको रख करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बीच ये बिल्कुल भी दवा ना ख़राब होगी, ना ही इसके इंग्रेडिएंट्स जो होंगे वो एक्सपायर होंगे। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है शेक वेल बिफोर यूज़, यानी कि जितने बार भी आप इसको अपने बच्चे को पिलाएं चले, उससे पहले इसको अच्छे से हिला लें। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ जो मैंने आपको बताया था कि ये बच्चों के लिए है, यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है फॉर पेडियाट्रिक यूज़। जी हाँ, अब हम बात करेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन के बारे में, इसमें आपको कॉम्पोजिशन क्या मिलता है। तो यहाँ देख सकते हैं कॉम्पोजिशन लिखा हुआ है ईच 5 ml कंटेन, यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है ओंडेंसेट्रॉन हाइड्रोक्लोराइड IP है, QS2 ओंडेंसेट्रॉन है 2 mg इसमें मिल जाता है। इन फ्लेवर्ड सिरप बेस है, इसमें आपको सिरप बेस मिलता है। कलर है पोंसिया 4R, डोजेज जैसा मैंने आपको बताया एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। फिर उसके बाद स्टोरेज वगैरह यहाँ दे रखी है, यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ रिप्लेस कैप सिक्योरली, यानी कि जितने बार भी आप इसको पिलाएं उसके बाद इसका ढक्कन जो है उसको बंद कर दें। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ कीप द मेडिसिन आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। इसके बाद यहाँ शेड्यूल एज ड्रग वार्निंग है, यहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब हम आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं, जो इसको कंपनी बनाती है वो है विदित हेल्थ केयर। जी हाँ, देख सकते हैं, और जो इसको यहाँ पर मार्केटेड बाय यानी कि जो बेचती है वो है अमेजिंग रिसर्च। जी हाँ, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम बात करेंगे इस वोमिनिल सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो मैं आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट बता देता हूँ जो कि रेयर केस में दिखते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको देखने को मिलते हैं तो उस समय आप इसको अपने बच्चे को देना बंद कर दें। सबसे पहला है स्लीपीनेस, यानी कि अगर आपके बच्चे को दे रहे हैं, अगर उसे बहुत ज़्यादा नींद वगैरह आ रही है, तो उस समय इसको देना बंद कर दें। साथ ही साथ अगर आपके बच्चे के हेडेक वगैरह हो रहा है, सर दर्द वगैरह हो रहा है, तो उस समय भी आप इसको देना पड़ दें, बंद कर दें, क्योंकि यही दो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आपको इनमें से किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट दिखता है या और कोई अन्य साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, तो उस समय आप इसको देना बंद करें और तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें, संपर्क करें। अब हम बात करेंगे इसके प्रिकॉशंस के बारे में, यानी कि सावधानियों के बारे में। तो सबसे पहली जो सावधानी है वो ये है कि आप अपने बच्चे को जिस ड्रॉपर से ये वोमिनिल पिलाने जा रहे हैं सिरप, उस ड्रॉपर को अच्छे से धो लें। जी हाँ,
उसके बाद दूसरा जो है, अगर आप किसी अन्य प्रकार का, अगर किसी अन्य प्रकार का टैबलेट या सिरप यूज़ कर रहे हैं तो उस समय आपको ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी इस ओमिनिल सिरप के बारे में, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। अगर आपको किसी भी प्रकार का सवाल हो इस ओमिनिल सिरप को लेकर के, तो अभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट लिख के छोड़ दें, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।